जानते हो कि पानी अपने संपूर्ण जीवन देकर एक वृक्ष को बड़ा करता है? शायद इसलिए पानी लकड़ी को कभी डूबने नहीं देता। बस माता पिता का भी कुछ ऐसा ही सिद्धांत है, वो हमारे लिए अपना जीवन कुर्बान करते हैं, इसलिए हमारा उनका आदर करना और उनका सहारा बनना हमारा धर्म है। तो इसी मिक्सर सोच के साथ आपके सामने प्रस्तुत करते हैं अगला नाटक वृद्धाश्रम की कहानी। एंजॉय कीजिएगा। अच्छा माँ, तो आप अपना ध्यान रखना, मैं जल्दी आऊंगा आपको लेने। अच्छा बेटा, मैं इंतजार करूंगा। अरे किससे बात कर रही थी सुषमा जी आप? अपने बेटे से बात कर रही थी, कह रहा था जल्दी आएगा लेने। जल्दी आएगा लेने? कैसी बात करती है सुषमा जी आप? जो एक बार आता है ना कभी नहीं जाता। मुझे देख लीजिए, 10 साल हो गए यहाँ पे, पर मेरा बेटा आएगा। हाँ अच्छी बात है सुषमा, होती तो ये सोचती है, शुरू शुरू में सभी को ऐसा लगता है, पर मेरा बेटा मुझसे बहुत प्यार करता है। वो तो मेरा बेटा भी करता है। या यू कहूँ करता था। अरे वो तो मेरा बेटा भी करता था, पर अब मुझे रहने की आदत सी हो गई है। देखिए सुषमा, इसे बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, आजकल का जमाना ही ऐसा है। क्या कहते हैं, मॉडर्न एडवांस, और वैसे भी तो है ना। अरे कैसी बात कर रही हो आप, वो मेरा बेटा है और उसे मैंने जन्म दिया है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। अरे सुषमा जी, हमने कब कहा कि वो ऐसा करेगा? पर समय के साथ सब बदल जाते हैं। मुझे देख लीजिए, पहले कितना गोरा था मैं। चलिए छोड़िए, चलिए छोड़िए, खाना बनाने चलते हैं। अरे कमला जी जरा सुनिएगा। हाँ जी बोलिए। खाने में तड़का बढ़िया लगाइएगा, कल मजा नहीं आया था। हाँ हाँ लगा देंगे। हेलो हेलो, हाँ जी कौन? अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, आप कौन? अंकल मैं वहीं बोल रहा हूँ, वहाँ मुझे अपनी मम्मी से बात करनी है। बेटा आपकी मम्मी का क्या नाम है? श्रीमती सुषमा जी। अच्छा मैं अभी बुलाता हूँ। अरे सुषमा जी, अरे सुषमा जी, आपका फोन आया है। आई हेलो हेलो मामा, नमस्ते, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ, तू कैसा है? मैं भी अच्छा हूँ, बस काम में थोड़ा बिजी था। अच्छा तू मन लगा के काम कर, पर एक बात पूछू? हाँ पूछिए। तू मुझे वापस तो लेने आएगा ना? अरे कितनी बार कहा है आपसे ये सवाल, आप बार बार मुझसे मत पूछा करो, मैं आऊँगा ना आपको लेने वापस। बस ऐसी ही। अच्छा मम्मी तो मैं भी रखता हूँ, बाद में बात करता हूँ आपसे। बेटे का कॉल था? हाँ कह रहा था जल्दी आएगा लेने। जल्दी आएगा लेने? ऐसे आज खाने में क्या बना है? आज खाने में राजमा चावल बने हैं और आपकी फेवरेट भिंडी। अरे वाह, मेरी फेवरेट भिंडी, आज की खास बात है क्या? कोई खास बात बात नहीं, आज सुबह आपका चेहरा देख लिया था। सुषमा जी वैसे आपसे एक बात पूछूं? हाँ जी पूछिए। आपका बेटा करता क्या है? नाइडा में इंजीनियर है और बहुत अच्छा कमा लेता है। बहुत अच्छी बात है। और आपके घर में कौन कौन रहता है? मेरे घर में मैं और मेरा बेटा है, मैं अकेली ना पढ़ूं इसलिए उसने मुझे यहाँ भेज दिया। सुषमा जी आपकी कहानी तो मेरी कहानी से बहुत मिलती जुलती है। मैंने आपको कोई कहानी नहीं सुनाई, ये सब सच है। अरे सुषमा जी आप बुरा क्यों मान रहे हैं, मैं तो यूँ ही कह रही हूँ। चलिए छोड़िए, खाना खाने चलिए। चलिए अरे सुषमा जी, अगर आपका मन भारी हो ना तो अपने बेटे को एक बार कॉल कर लीजिए, और हाँ जल्दी आ जाइएगा, भिंडी खत्म हो जाएगी।
आप लोगों को यही लग रहा होगा ना कि मेरा बेटा नहीं आएगा, पर मुझे विश्वास है करना भी सिखाया जाता है। अरे सुषमा जी, आपने अपने बेटे को ऐसे कौन से संस्था में डाला? मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इस साल